भाजपा को 10 में से कितने नंबर देते हैं? 4 नंबर। अब जाल अंसारी को सांसद हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे आप? उनको तो 0 ही दिया जाए तो काफी है। हाजीपुर जिले में एक बड़ा सवाल है कि अगर मनोज सिन्हा यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं, यूपी उपराज्यपाल हैं, तो फिर अंसारी बंधुओं को चुनौती कौन देगा? अगर मैं जिले की बात करूं तो एक बड़ा फैक्टर रहा है, अंसारी बंधुओं की बात करूं तो यहां मुस्लिम ही नहीं, हर एक वोट बैंक को उन्होंने साधे रखा है। अंसारी बंधुओं के वोट बैंक में सेंध कौन लगाएगा? ये पूर्वांचल की सबसे हार्ड सीट गाजीपुर जिला, जहां पर शंखनाद हो चुका है और जहां से अफजाल अंसारी को सपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब यहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है कि मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, इससे पहले अफजाल अंसारी बनाम मनोज सिन्हा ही लोग देखते थे, लेकिन इस बार भाजपा किसको उम्मीदवार खड़ा करेगी यह एक बड़ा विषय बन चुका है। ग्राउंड जीरो से हम आए हैं, आखिर लोगों की राय क्या है, अपना पूरा परिचय दें। जी, मैं प्रकाश पांडे और मैं एक इस जनपद का नागरिक हूँ। अगर मैं प्रकाश जी लोकसभा की बात करूँ तो आखिर मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं? अफजाल अंसारी जो बसपा से थे इससे पहले, अब वो सपा के उम्मीदवार बन गए हैं, अब भाजपा के कौन से ऐसे उम्मीदवार है जिनको आना चाहिए? जी, उम्मीदवार अगर भाजपा ने तो वैसे अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, अगर लेकिन हम लोगों का मन अगर पूछा जाए तो यही बात है कि अभी मिश्रा जी को टिकट देना चाहिए, क्योंकि पूर्व मंत्री होने के नाते उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। कोविड के समय भी उनका बहुत अच्छा प्रयास रहा जनपद के अंदर, मेडिकल कॉलेज वगैरह जो भी आया तो, और इतिहास गवाह है वैसे भी सिन्हा जी ने जो भी काम किया, तो इतिहास गवाह किसे छुपा नहीं है ये सब चीज़ें, और सिन्हा जी ने बहुत ही उम्दा काम किया था जनपद के अंदर, और मिश्रा जी को आना चाहिए हम लोग। अगर इतिहास की बात करें तो बार बार ये होता है ना कि विकास हुआ, लेकिन अफजाल अंसारी उस बार गठबंधन में तो चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार राजनीतिक सरगर्मियां यही है कि आखिर चुनाव कौन जीतेगा। इस बार भाजपा, सपा और बसपा चुनावी मैदान में, आपकी राय क्या है, आपका नाम क्या है? इसमें सबसे बड़ा बात है कि अभी अफजाल जी का नाम आया है, अभी दूसरे कोई पार्टी का नाम अभी नहीं आया है ना, उस पार्टी को देखने के बाद ही फैसला किया जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश चंद्र खरा। अगर चर्चाओं के बाजार की बात करें तो चर्चा हो रही है विजय मिश्रा, राधे मोहन सिंह, ब्रजेश सिंह, ऐसा चर्चा हो रहा है, तो आपके लिए सही कैंडिडेट कौन सा है, क्योंकि मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल है, शायद वो इस बार ना लड़े। हाँ, इसमें तो सबसे उपयुक्त तो ब्रजेश सिंह दिखाई दे रहे हैं। ब्रजेश सिंह, आपकी क्या राय है? नहीं आते हैं या उनके परिवार के लोग, अभिनव सिन्हा की भी बात आ रही है, अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो अफजाल अंसारी के साथ मुकाबला करे? मिश्रा जी तो संभव है आने का। आपका नाम क्या है? दिनेश यादव। आप क्या कहेंगे? प्रशांत कुमार सिंह नाम है मेरा, घर खालिशपुर है जी। मनोज सिन्हा जी के बाद दूसरे नंबर पे कोई विकास के लहजे से देखा जाए तो विजय मिश्रा जी हैं, जिले में काफ़ी काम कराया उन्होंने अपने कार्यकाल में, जैसे मेडिकल कॉलेज का हुआ, लोटन इमली पावर हाउस हुआ, इसे स्टेडियम का काम हुआ, ऑडिटोरियम का काम हुआ, जिले में काफ़ी सराहनीय कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में कराया। मुख्तार अंसारी के भाई हैं और गाजीपुर का समीकरण क्या कह रहे हैं? भाजपा रोजगार दे ही नहीं रही है, भाजपा हटाना है और क्या। भाजपा को हटाएंगे इस बार? क्यों हटाएंगे? भाजपा रोजगारी नहीं दे रही है, कुछ मिल ही नहीं रहा है हम लोग को। आखिर नहीं कुछ है ना, कोई भी विकास पूछ लीजिए, कोई कुछ ही नहीं। रोजगार पे क्या कहेंगे? रोजगार में तो भाजपा बहुत पाछे चल रही है, अब थोड़ा चेंज की माहौल बन रहा है। रोजगार पे क्या कहेंगे आप? रोजगार पे यही कहेंगे कि भर्तियां जो भी हो रही हैं वो सुचारू रूप से हो नहीं रही हैं, जो भी हो रहा है वो कैंसिल हो जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत उल्टा सीधा हो रहा है जो है, और इसके लिए मैं इसको 5 नंबर दूंगा भाजपा को। बहुत आप भाजपा को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से जी। भाजपा को 10 में से कितने नंबर देते हैं? 4 नंबर। अफजाल अंसारी को सांसद हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे आप? उनको तो 0 ही दिया जाए तो काफी है। आप अफजाल अंसारी को कितने नंबर दे रहे हैं? ऐसे कार्य उनका भी सही है, 4 नंबर अच्छा है। 4 नंबर। आप भाई कितने नंबर अफजाल अंसारी को दे रहे हैं? 9 नंबर। और भाजपा 9 नंबर दे रहे हैं? और विकास पे अगर भाजपा ने किया उसको कितने नंबर दे रहे हैं? उसको तो देना चाहिए उसे 4 नंबर। तो अफजाल अंसारी को 9 नंबर दे दिया। हाँ जी।
देख दिक्कत, 9 नंबर उनके देना है, अच्छा है। अगर हम रोजगार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भर्तियां खाली, लगातार भर्तियां खाली हैं। अध्यापक भर्ती परीक्षा आपके बगल के बिहार में हुई, वहां पे बच्चे रोजगार पाए, उनके चेहरे भी खुश थे, अभिभावक भी खुश थे, फिर 14 या 15 तारीख को बिहार में भर्तियां हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भर्तियां ठप है। पहले क्या थी ना कि पहले के सरकारों में छोटी छोटी भर्तियों का हमेशा आना जाना लगा रहता था, लेकिन इसमें क्या है कि बड़ी बड़ी भर्तियां होकर, और अभी कुछ दिनों से जो भी है शांति बनी हुई है, लेकिन इसमें भी ये है कि जो वाकई में जिसके अंदर काबिलियत है वो नौकरी पा रहा है और पाएगा भी, मतलब तो रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। अगर मैं आपसे बात कर लूं, करें कि हर चीजें प्राइवेट हो रही है धीरे धीरे, अग्निवीर का मामला था जिसको कांग्रेस ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर को हम खत्म कर देंगे। नहीं, अग्निवीर योजना तो ठीक है युवाओं के लिहाज से जी, और रहा सवाल रोजगार का, तो रोजगार जो है कि ठप है हमारे हिसाब से। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर को जितना आपने देखा है, पहले भी बहुत पिछड़ा हुआ था, आज भी गाजीपुर में वो विकास नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, आज भी विकास नहीं हो पाया, जो भी होने जा रहा था वो भी रुक गया है ना, और आगे भी इसकी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। मिश्रा जी हैं जो गाजीपुर से विधायक रहे और मंत्री भी रहे। गाजीपुर जिले में एक बड़ा सवाल है कि अगर मनोज सिन्हा यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं, यूपी उपराज्यपाल हैं, तो फिर अंसारी बंधुओं को चुनौती कौन देगा? अगर मैं जिले की बात करूं तो एक बड़ा फैक्टर रहा है अंसारी बंधुओं की बात करूं तो, यहां मुस्लिम ही नहीं, हर एक वोट बैंक को उन्होंने साधे रखा है, अंसारी बंधुओं के वोट बैंक में सेंध कौन लगाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले बसपा के प्रत्याशी थे जब अफजाल अंसारी, सपा के साथ गठबंधन था तो भारी वोट उनको मिला था, और मनोज सिन्हा को भी वोट मिला था, काफी लगभग 1.5 लाख वोट उनको ज्यादा मिले थे, लेकिन मनोज सिन्हा वोट वो चुनाव हार गए। लेकिन आम जनता की राय त्याग क्या थी ग्राउंड जीरो से, आम लोगों की राय आखिर भाजपा को कौन सा कैंडिडेट यहां पे बेहतर रहेगा जो अफजाल का मुकाबला कर सके? विजय मिश्रा जी, अफजाल मिश्रा जी, मिश्रा जी।